एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक अनदर फैंटेसी के बारे में बात करने वाली हूं, जो कि है आर्म फिट फैंटेसी। बहुत सारे फैंटेसी के बारे में बताई है फीमेल्स के बारे में, ऑलमोस्ट मैंने 7-8 फैंटेसीज के बारे में डिस्कस की है। अगर आपने वो वीडियोज़ मेरी नहीं देखी तो चेकआउट माई रितुस कॉर्नर चैनल, जहाँ पर मैंने बहुत सारी फीमेल फैंटेसीज अलग अलग, उनकी स्ट्रिपिंग फैंटेसी, उनकी एग्जीबिशन फैंटेसी, उनकी अलग अलग, मतलब कि जो शायद आपने कभी सुना नहीं है, ऐसे फैंटेसीज के बारे में मैंने फीमेल्स के बारे में बात की है। ये जो फैंटेसी है आर्म फिट फैंटेसी, ये ज़्यादातर ना मर्दों में पाए जाते हैं। ये एक्चुअली फीमेल्स में पाए नहीं जाते, मैं कभी नहीं बताऊंगी, बट मर्दों में इसके परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। जिन मर्दों में ये फैंटेसी पाई जाती है, उनकी खासियत ये होती है कि वो फीमेल्स की जो आर्म फिट है उस हिस्से को उतनी ज़्यादा पसंद करते हैं जितने एक नॉर्मल लड़का, मतलब ये अबनॉर्मल नहीं है बट नॉर्मली जिसमें ये फैंटेसी नहीं है, वो जितना एक फीमेल प्राइवेट पार्ट को पसंद करे, यानी कि वजाइना को पसंद करता है, ये जिसमें ये फैंटेसी पाई जाती है, ये बंदा एक फीमेल आर्मपिट को ठीक उतना ही पसंद करता है, उसी के साथ तुलना करता है। यानी कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो अगर उस मर्द को ये चांस मिले तो वो टोटली जो इंसर्शन प्रोसेस है, जो डिस्चार्ज प्रोसेस है ना, वो खेलते कूदते सब कुछ करते करते ही शायद उस फीमेल के आर्मपिट पे ही डिस्चार्ज करते। इस लेवल पे एक लड़का यानी एक मर्द फीमेल की आर्मपिट को पसंद करता है जिसमें ये फैंटेसी पाई जाती है। वो मर्द जो होता है वो फीमेल की आर्मपिट को सूंघना, देखना, टच करना, सारी चीज़ों के जरिए ही अपने आप को उत्तेजित करता है। उनको फीमेल बॉडी में आर्मपिट ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और सबसे ज़्यादा प्लेजरेबल लगता है। उन्हें फीमेल के आर्मपिट को लिक करना, टच करना, सूंघना, उनके साथ खेलना, खेलना इन द सेंस की मैं बात कर रही हूँ ना, कि नॉर्मली जो कपल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, इन द सेंस कि वो उनके लिप्स के साथ या उन दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ खेलते हैं, बट ऐसे मर्द जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनके आर्मपिट के साथ ही उनको फोर प्ले, अगर मैं बात करूँ तो टोटल फोर प्ले, वो एक घंटे का फोर प्ले भी वो आर्मपिट में ही बिता दे। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि उनका फीमेल पार्टनर अगर उनको सपोर्ट करे तो वो फ्रिक्शन डाल के फीमेल के आर्मपिट पे ही डिस्चार्ज कर देते हैं। बट ये जो मर्द होते हैं ना जिनमें आर्मपिट फैंटेसी पाई जाती है, इनकी वैरायटीज़ भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे एक टाइप के ही हैं। किसी में ऐसा होता है जिनको हेयरी आर्मपिट पसंद है ना, उनको अच्छा लगता है कि फीमेल आर्मपिट पे बाल हो, कोई एकदम क्लीन शेव आर्मपिट पसंद करते हैं। नॉर्मली फीमेल प्राइवेट पार्ट से, कोई भी प्राइवेट पार्ट हो, वो आर्मपिट का हिस्सा हो या कोई भी प्राइवेट पार्ट हो, उस हिस्से से एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन के वजह से ही फीमेल प्राइवेट पार्ट का हिस्सा फीमेल्स को अलग स्मेली बनाता है। यू नो फीमेल बॉडी की जो स्मेल होती है वो कई हद तक उस हार्मोन की वजह से ही होती है। इस फैंटेसी रखने वाले मर्द को वही स्मेल पसंद होता है उनके बॉडी में। बहुत सारे फीमेल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पसीना जिनको आता है, ये एक्चुअली एक केमिकल बेस्ड हार्मोन है, केमिकल है जो बॉडी से रिलीज होती है। जब बहुत ज़्यादा कोई स्वेटी हो तो ये एक स्मेल क्रिएट करता है ना, तो वो स्मेल इस मर्द को पसंद होता है। किसी को क्लीन शेप पसंद होती है ना, फिट फाट एकदम अच्छी स्मेल आए ऐसी, तो अलग अलग वैरायटीज पाई जाती है ऐसे फैंटेसी रखने वाले मर्दों में। बट इस मामले में ना कोई इंट्रोवर्टेड होता है, कोई एक्सट्रोवर्टेड होता है। जो इंट्रोवर्टेड होते हैं ना, वो इन सारी चीज़ों को बड़े अपनी इमेजिनेशन में बड़े आराम से, बड़े फुर्सत से अंजाम देते हैं, एज लाइक के जो भी उनकी मन की भड़ास है, ख्वाहिश है, सारी चीज़ें वो अपनी इमेजिनेशन में ही करते हैं। हो सकता है कि उनकी इमेजिनेशन में उनकी खुद की वाइफ हो या कोई भी और लेडी, शायद उन्होंने उनको देखा हो। बट जो एक्सट्रोवर्टेड होते हैं ना, वो अपनी दिली ख्वाहिश दिल में बिल्कुल नहीं रखते, जो उनकी गर्लफ्रेंड है या उनकी वाइफ है उनके सामने जाहिर करते हैं। बहुत सारे मर्दों में ये पाया जाता है ना कि वो जानते हैं, जैसे ये मुझे पसंद है वैसे ही मेरी फीमेल पार्टनर को क्या पसंद है, वो जाने कोशिश करते हैं। उस तरीके से वो अपने फीमेल पार्टनर को प्लेजर देते हैं जो उनकी फीमेल पार्टनर पसंद करती है, और उनके फीमेल पार्टनर से वो ये चीज़ें उसूल करते हैं कि वो अपनी आर्मपिट के साथ उनको खेलने का मौका दे, या फिर उस चीज़ के साथ वो उसको सपोर्ट करे। जो एक्सट्रोवर्टेड होते हैं ना, वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं अपने फीमेल पार्टनर के साथ, बहुत सारे फीमेल पार्टनर उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। सुनने में ना ये सारी चीज़ें बड़ी एबनॉर्मल सी लगती है ना, बट हम अगर ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो कुछ भी एबनॉर्मल नहीं, किसी को भी कुछ भी पसंद हो सकता है। जिनको आर्मपिट फैंटेसी पसंद होती है वो आर्मपिट को पसंद करते हैं। बहुत सारे मर्दों में ये पाया जाता है कि वो फीमेल्स की फीट को पसंद करते हैं, उनके पैरों को पसंद करते हैं। इसके बारे में भी अलग से मैंने वीडियो बनाई है, आप चाहो तो वो भी रितुस कॉर्नर पे देख सकते हो, काफ़ी पॉपुलर वीडियो है। अलग अलग
किसी को उनके बाल पसंद होते हैं, बहुत मर्दों में ये पाया जाता है कि वो सिर्फ अपनी वाइफ के बालों के साथ ही खेलते हैं, उनकी बीवी को भी पता समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है, बट है। तो अलग अलग इंसान की अलग अलग पसंद हो सकती है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन बिहेवियर करती है। वो फीमेल पार्ट की किस बॉडी पार्ट से अट्रैक्ट हो जाए और वो उसको उत्तेजित करे, और इस कंडीशन में भाई ऐसी फैंटेसी होना भी बहुत नॉर्मल है। बट बात ये है डेफिनेटली कि कोई भी फैंटेसी हम रखते हो वो हमारी सोच और हमारी बिहेवियर पे अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। यू नो, जो फैंटेसी है वो फैंटेसी है और उसको हमें फैंटेसी के जगह पे ही रखनी चाहिए। अगर हम पे, हमारी सोच पे, हमारी बिहेवियर पे हो वो हावी हो जाए ना, तब वो अबनॉर्मल सा लगता है। यानी कि आप रस्ते से चल रहे हो और आपने किसी फीमेल के आर्मपीट को देख लिया। नॉर्मली आजकल लड़कियाँ स्लीवलेस पहनती है, बैकलेस पहनती है या फिर शॉर्ट स्लीव का ड्रेस पहनती हैं, तो अगर आपने किसी फीमेल की आर्मपीट को देख लिया हो जो कि आपकी पसंद का हो ना, तो कंट्रोल पावर आप में होनी चाहिए, वो आप पे हावी नहीं होनी चाहिए। जो लोग एक्सट्रोवर्टेड होंगे वो अलग बात है, वो अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आके वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे, बोलेंगे। जो इंट्रोवर्टेड होंगे वो घर आके इमेजिनेशन में ही सारे ख्याली पुलाव पका लेंगे, तो वो हमारे बिहेवियर पे हावी नहीं होनी चाहिए। उस सिचुएशन पे उस फीमेल को ये समझ में नहीं आना चाहिए कि आप उनके आर्मपिट से अट्रैक्ट हो रहे हो, राइट? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हो तो ये मेरी वेबसाइट आईडी है, आप विजिट कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो रितु डायरी इज़ माई इंस्टा आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर मुझसे कुछ भी पूछना हो तो मेल ज़रूर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है। थैंक यू, बाय।